الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد آج درس کا موضوع ہے قرآن کریم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے میں ہمارے مخالفین صفت الکلام للہ تعالی کی بحث میں در حقیقت اس نقطے پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے اور آپ اسے سماعت کر چکے ہیں. آج میں اس نقطے کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ کچھ باتوں کا اعادہ ضروری ہی سمجھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے مخالفین بنیادی طور پر معتزلہ اور اشاعرہ وکلابیہ ہیں. اور اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں ان کے اقوال و مذاہب کو دو قول میں بیان کیا جا رہا ہے. پہلا قول معتزلہ کا ہے کہ جو قرآن کریم کے بارے میں یہ مذہب اور یہ قول اختیار کیے ہوئے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے, ایسے ہی وہ کلام اللہ کو مخلوق تو لازماً قرآن جو کلام اللہ ہے اس کو بھی وہ مخلوق کہتے ہیں. یہاں جو بات ذکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ معتزلہ جو خلق قرآن کا اعتقاد رکھتے ہیں اس کی تردید مقصود ہے, اور ساتھ ساتھ ان کے شبہات کا تذکرہ بھی. معتزلہ سے اگر سوال کیا جائے کہ تمہارے اس قول کا کہ قرآن مخلوق ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے, تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے. تو قرآن بھی ایک شے ہے, اور اس طرح سے کل شے کے عموم میں قرآن بھی داخل و شامل ہے, سو ثابت ہوا کہ قرآن مخلوق ہے. معتزلہ ایسے ہی کہتے ہیں. معتزلہ کی اس استدلال کا رد اور اس کا جواب ہم اہل سنت والجماعت فرقہ نادیہ اہل الحدیث اس طور پر دیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے تمہارا استدلال درست نہیں ہے, باطل ہے, صحیح نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے
कि लुगवी एतबार से कुल उमूम में जहूर पर दिलालत करता है और जहूर पर दिलालत करने का माना मैं आपको यह बताऊं कि यह है कि कुल या कुल शैन का उमूम उसके अपने एतबार से होता है, उसके अपने मुताबिक होता है और कुल या कुल शैन का उमूम उमूमे इस्तिखराकी तंसीसी नहीं होता है, यानी यह कि कोई चीज उससे बिल्कुल अलग ही ना हो और उसमें सब कुछ दाखिल हो, ऐसा होता ही नहीं है। लुगत अरबी में कुल का माना उसके उमूम में जहूर मकसूद होता है। बात मिसाल से समझी जाएगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने मलिके सबा के बारे में कहा, जैसा कि कुरान के अंदर अल्लाह का कलाम मौजूद है और वो यह है कि वो ऊतियत मिन कुल्ले शै व लहा अर्शुन अजीम, कि उसको हर चीज दी गई थी। लेकिन याद रहे कि यहां हर चीज से मुराद सिर्फ वही चीजें जो जाहिरी तौर पर बादशाहों, शहजादियों, रानियों, मलिका को दी जाती हैं, वही मकसूद है। वरना खुद सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बादशाहत के मुकाबले में उसके बाद बहुत सारी चीजों की कमी थी और ऐसा नहीं था कि हर चीज वो दी गई थी। लेकिन मकसूद यह है कि हर वो चीज जो उमूमन राजाओं, बादशाहों और रानियों के पास हुआ करती है, इतना ही मुराद है कुल। ऐसे ही कुरान करीम ही के अंदर कुल का इस्तेमाल है कि कौम आद की हलाकत से मुतालिक एक आयत करीमा में वारिद हुआ कि सूरह अहकाफ की आयत करीमा है कि तुदम्मिरु कुल्ल शैइन, हर चीज को वो रीख जो आग पर मुसल्लत की गई थी उसको रेजा रेजा कर रही थी। लेकिन आप उसी आयत में देखेंगे कि उनके मसाकिन, उनके घरों, उनकी बस्तियों का इस्तिस्ना मौजूद है और यह वाज़ह दलील है कि कुल या कुल शैइन के अंदर उमूम इस्तिखराकी नहीं होता है कि कोई भी फर्द और कोई चीज उससे बाहर ही ना हो और सबको वो शामिल और आम हो, ऐसा नहीं होता है। लिहाजा आयत करीमा अल्लाह खालिकु कुल शैइन में कुल शैइन उस चीज से मुतालिक है कि जो मखलूक, जिनकी शान यह है कि अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है और वो उसकी मखलूकात में से है, तो वही वही चीजें शामिल हैं जिनके अंदर जाहिर है ये बात कि वो मखलूकात है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला उसकी जात, उसकी सिफात ये मखलूक है ही नहीं, लिहाजा यहां कुल शैइन के अंदर और उसके उमूम के अंदर उसकी सिफात, तमानिय सिफात, और जिनमें से एक कलाम है और कुरान करीम है जो अल्लाह ताला ही का कलाम है, वो उसके अंदर दाखिल नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि मुतजिला का एक कौल बातिल है,
उनका ये मजहब, उनका ये नजरिया कि कुरान मखलूक है, उसके फसाद बुतलान के लिए सूरह आराफ की आयत करीमा काफी है दलील के लिए, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अला लहुल खल्क वल अम्र। याद रहे कि अल्लाह जल्ला वाला के लिए खल्क है और अम्र है। इस आयत करीमा के अंदर दो चीजों का तस्किरा है, एक तो खल्क और एक अम्र। तो अल्लाह ताला ने जिन जिन चीजों को पैदा किया है वो उसकी मखलूकात, मगर अल्लाह जल्ला वाला का अम्र ये मखलूक और खल्क के अलावा है। और यहां से यह भी बात मालूम हुई कि हां जो अम्र है वो खल्क नहीं, जो खल्क है वो अम्र नहीं, और अम्र ये गैर मखलूक होता है। और याद रहे कि कुरान करीम अल्लाह जल्ला वाला का कलाम, जिसकी वही अल्लाह ताला ने अपने बंदे अपने रसूल मोहम्मद अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है, ये अम्र में से है, खल्क में से नहीं है। और इसकी दलील सूरह शूरा की ये आयत करीमा وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, और ऐसे ही मैंने ऐ नबी तेरे पास अपने अम्र में से रूह की वही की। तो अल्लाह ताला ने बंदे अपने बंदे अपने रसूल अपने नबी की तरफ की जाने वाली वही को अम्र में से बताया है, और अम्र ये खल्क के अलावा है। इससे ये साबित होता है कि कुरान पाक मआवल्ला मखलूक नहीं है। और इस तरह से हमारे सुन्नतुल जमात का ये एतकाद नजरिया मुदल्लल है कि कुरान करीम मुनज्जल मिन अंदिल्ला गैर मखलूक है। इससे दूसरा कौल कुलाबिया अशअरिया मातुरीदिया व अशबाहुम का, याद रहे कि इनका कौल यह है कि कलामुल्ला कदीम है और यह कलाम नफ्सी है, यह नफ्सी माना है। और माने नफ्सी का मफहूम मैं पिछले असबाब में आप सामेईन को बता चुका हूं कि उसका मतलब यह है कि वो कलाम हर्फो सौत से नहीं कि जिसको सुना जाए। और यह सिफत की हैसियत से एक और मुतअल्लक के एतबार से मुतअद्दिद है, मुतअल्लक के एतबार से मुतअद्दिद होने का मतलब मातुरीदिया कुल्लाबिया अशअरिया ये कहते हैं कि अगर वो अम्र है मामूर से मुतअल्लिक है तो वह अम्र है, मनहियात से मुतअल्लिक है तो नहीं है, वो हाकजा और इस तरह से, और इन्हीं के मजमूए का नाम कलाम नफ्सी है कि जिसकी ताबीर जिब्रील ने की है, अगर वो ताबीर इब्रानी जबान में की गई तो तौरात, सुरियानी में की गई तो इंजील, अरबी में की गई तो कुरान। याद रहे कि अशरिया और कुल्लाबिया ने जो कौल अपनाया है वो कौल भी उनका बातिल, अलबत्त उनके दलाइल और शुबहात का अगर जिक्र किया जाए तो यह है कि यह यूं तो मुजमल इस बात को मानते हैं कि कलामुल्ला या अल्लाह की सिफत है,
और इनके दलाइल वही हैं किताब सुन्नत के, किताबुल्लाह के नुसूस कि जो इस बात पर दिलालत करते हैं कि कलाम अल्लाह की सिफत है। मगर मसला यहां जाकर के उनका फासिद है कि वो कलाम को हरफो सौ और मसमू नहीं मानते कि अल्लाह ताला ने गोया उसके साथ तकल्लुम किया और जिसको उसने सुनाना चाहा उसने सुना, इस बात को वो तस्लीम नहीं करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि कलाम का माना जो है वो ये है, उसका मतलब ये है कि वो कलाम नफ्सी है, यानी अंदरून में है बस, हाँ हरफो सौत से वो कलाम नहीं। और इसीलिए मुतज़िला कम से कम फहम और फिक्र और होशियारी के एतबार से इनसे कहीं ज्यादा होशियार है कि जिन्होंने कलाम की जब बात आई उसका मतलब बयान करने का मसला आया तो उन लोगों ने यह कहा कि नहीं कलाम तो वही होता है जो हरफो सौत। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हरफो सौत ये अल्लाह दल्ला वाला के लिए लायको जेबा नहीं है कि उससे तस्बीह और तजसीम लाजिम आएगी, लिहाजा उन लोगों ने कलाम का सिरे से इनकार कर दिया और कलाम को मखलूक मुनफसिल करार दिया और यह कि अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है। मगर उनके मुकाबले में कुल्लाबिया ने यह कहा कि कलाम वो है ही नहीं अल्लाह का कि जो हर्फ सौत के जरिया हो, और इसी से बचने के लिए उन लोगों ने यह मौकिफ इख्तियार किया कि कलाम से मुराद कलाम नफ्सी है, बस अंदर ही अंदर उसका हर्फ और सौत और समा व इस्तेमा व इस्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता कलाम नफ्सी करार देने के लिए जो दलाइल उन लोगों ने दिए हैं और उसकी वजह असलन वही है कि कहते हैं कि अगर कलाम को कलामे सौती कलाम बिल हर्फे व सौत और मस्मू करार दिया जाए तो कहते हैं इससे हुलूल करें आराब कि उसके लिए हलक कौवा जबान होंठ इला आखिर ही की जरूरत पेश आएगी और इससे अल्लाह मुबर्रा है, लिहाजा वो कलाम का मतलब ही ये करार देते हैं कि बस वो अंदरून की चीज का नाम है और उसी को वो कलाम नफ्सी कहते हैं। और उसके लिए एक शेर पेश करते हैं दलील में कि कलाम तो वही होता है जो दिल के अंदर हो और उसका हर्फ सौत से असल ताल्लुक नहीं है। और वो शेर है कहते हैं कि इन्नल कलाम लफिल फुआद व इन्नमा जुअल लिसान अलल फुआद दलीला। लेकिन याद रहे कि इन लोगों का यह है कौल बातिल, यह इस्तिदलाल बातिल, कलाम का माना बताना बातिल और इस शेर से इस्तिदलाल करना भी बातिल। इस शेर से इस्तिदलाल करना क्यों बातिल है कि नंबर एक यह शेर एक ऐसे शायर का है जो नसरानी है जिसका नाम अख्तल है और नसारा अल्लाह के बारे में अल्लाह के सिफात के बारे में गुमराह है, लिहाजा एक गुमराह नसरानी का शेर उसको अल्लाह जल्ला वाला की सिफत और अल्लाह जल्ला वाला के मुतअल्लिक अकीदे के बाब में दलील नहीं बन सकता। दूसरी सूरत यह भी है कि यह शेर अख्तल के दीवान में पाया भी नहीं जाता है और इससे यह पता चलता है कि कुल्लाबिया वगैरह ने इससे खामखा के लिए इस्तदलाल करने की कोशिश की है। तीसरी वजह यह भी है कि इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है,
कि ये शेर जैसा कि हाँ मनकूल है कि बजाय इन्नल कलामा लफिल फुआद व इन्नमा के बजाय इन्नल बयान लफिल फुआद व इन्नमा जो अलल लिसान अलल फुआद दलीला भी मनकूल है। एक बात मैं और जिक्र किए देता हूं और इस तरह से बहस खत्म हो जाएगी कि ये लोग एक हदीस बुखारी में मरवी है और उसमें उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, उस कौल से इस्तदलाल करते हैं कि उन्होंने जब बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खलीफा के इख्तियार व इंतखाब की आई तो उस मौके पर गुफ्तगू करने के लिए उन्होंने अपने बारे में कहा कि हाँ ज़व्वरतुल कलाम फी नफ्सी या ज़व्वरतु फी नफ्सी कलामन, इससे कुल्लाबिया अशरिया व मन शाबहुम ये इस्तेमाल करते हैं कि देखिए उन्होंने कहा कि मैंने अपने नफ्स में कलाम की तज़वीर की और इससे यह साबित होता है कि कलाम तो वही होता है जो हाँ नफ्स के अंदर हो, लेकिन उनका यह इस्तेदलाल बातिल है। बातिल इस तौर पर है कि हाँ उन्होंने जो बात कही है जैसा कि अगलब रिवायात में है कि ज़व्वरतु फी नफ्सी मकालतन और इसका अपना माना है और वो माना यह है कि इंसान हाँ कोई गुफ्तगू करना चाहता है बोलना चाहता है से मुतालिक वो कलाम करना चाहता है तो अपने जी ही में वो एक तरतीब देता है अपनी की जाने वाली गुफ्तगू की। यह मकसूद है कि मैंने अपने जी में क्या कहूंगा क्या कलाम करूंगा उसकी मैंने तरतीब दी, उसको सोचा, उसको हाँ गौर और फिक्र करता रहा और इसीलिए ज़व्वरतु फी नफ्सी मकालतन है, कुल्तु फी नफ्सी मकालतन नहीं कहा है, कुल्तु फी नफ्सी कलामन नहीं कहा है। लिहाजा इससे यह इस्तदलाल करना के कलाम कलामे नफ्सी को कहा जाता है गलत है। तज़वीरुल मकाला या तज़वीरुल कलाम फिर नफ्स का मतलब है जी ही जी में जो गुफ्तगू की जाने वाली है जो कलाम किया जाने वाला है उसकी तरतीब और उसके सिलसिले में गौर व तअम्मुल और तफक्कुर व तदब्बुर का नाम है, ना कि उसको कलाम कहा जाएगा किसी तौर पर, ना कलामे हकीकी और ना कलामे नफ्सी। और इस तरह से कुल्लाबिया का कौल भी बातिल है और मजहबे और कौले व अकीदे अहले सुन्नत वल जमात बिल्कुल वाज़े मुदल्लल साफ शफाफ है कि कुरान कलामुल्लाह है, मुनज़्ज़ल मिन इंदिल्लाह है, गैर मखलूक है और उसी से उसका आगाज हुआ है और उसी की तरफ वो औद कर जाएगा। हाजा व असलुल्लाह तआला अत्तौफीक व सदाद।